कॉलम चेड़े दोगे मकान के सर, अभी अभी एक भूस्खलन हुआ है, कितना बड़ा खतरा था स्थानीय लोगों के और किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ा खतरा था, ये अभी पिछले एक डेढ़ महीने पहले ही बिल्डिंग पे तिमसला बना, पूरा लिंटा बना, 100 घंटे का वेट आया है, प्राधिकरण यहाँ सो रही है, इसमें अभी कम से जान माल का खतरा टल गया है। रात को 3 बजे शुरू हुआ था तो लोगों ने अब तक घर खाली करना शुरू कर दिया था, लेकिन नैनीताल के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई है। जब तक ये नहीं रोकेंगे, जब तक ये आसपास के अन्य घरों को भी खतरा है, ये आसपास के करीब 15-20 मकान और है जिसको खतरा है, अगर बारिश आ गई तो वो मकान भी जाएंगे। अभी तक कोई भी प्रशासन का एक भी आदमी यहाँ नहीं मौजूद है। सुबह कॉलम टेढ़े हो गए मकान के सर, अभी अभी एक भूस्खलन हुआ है, कितना बड़ा खतरा था स्थानीय लोगों के और किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ा खतरा था, ये अभी पिछले एक डेढ़ महीने पहले ही बिल्डिंग पे तिमसला बना, पूरा लिंटा बना, 100 घंटे का वेट आया है, प्राधिकरण यहाँ सो रही है, इसमें अभी कम से जान माल का खतरा टल गया है। क्योंकि रात को 3 बजे शुरू हुआ था तो लोगों ने अब तक घर खाली करना शुरू कर दिया था, लेकिन नैनीताल के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई है। जब तक ये नहीं रोकेंगे, जब तक ये आसपास के अन्य घरों को भी खतरा है, ये आसपास के करीब 15-20 मकान और है जिसको खतरा है, अगर बारिश आ गई तो वो मकान भी जाएंगे। अभी तक कोई भी प्रशासन का एक भी आदमी यहाँ नहीं मौजूद है।